इंसानियत नूं शर्मशार करन वाली अज इक तुहानूं घटना विखाउने आ संगत जी। पिंड शाहपुर बेला दे बार बार एक क्रैशर पैंदा जंगलां दे लागे लगदा बिल्कुल, उत्थे एक बजुर्ग उम्र दा व्यक्ति जिसके पैर गले हुए ने, बहुत ज़्यादा त्रास दी हालात है, शरीर इन्ना क कमजोर हो चुका भी अज जदों उहदे दसण ते सानूं पता लगे भी एक महीना तो इसनों रोटी खाद्या हो गया। तो इत्थे गल सब तो वड्डी है भी इसका अपना ही परिवार इसनों मरन लई मरन दे हालातां विच इत्थे छड्ड के गया है, इसकी अपनी घरवाली तो इसका बच्चा ये इसनों मरन लई इत्थे छड्ड के गए, तो खुद नालागढ़ वद्दी साइड जाके वस गए ने, जाके उत्थे ही रहिंदे ने, कार्ज करदे ने अपना। तो कल जदों सानूं बसी तो शाहपुर के कुछ वीरां वल्लों इस व्यक्ति इस बजुर्ग बारे इतलाह दित्ती गई, वीडियो वगैरह बना के बकायदा भेजी गई भी तुसीं इसका इलाज करवाओ, है ना, बहुत माड़े हालातों में, क्योंकि इत्थे ये भी है भी ना तो इत्थे कोई भी लाइट है तो ना ही कोई पक्खा है, क्योंकि बिजली वाले बिल ना भरन के कारण इत्थों मीटर जिहड़ा है वह कट के लै गए ने, तो इस माड़े हालातों में इतने गर्मी में इतने कीड़े मकौड़ों के बजुर्ग रह रहा है, तो अपनी कह लो भी जी मौत की उड़ीक कर रहा है, पैर यदा हौली हौली गलता जा रहा है, वाधा जा रहा है जख्म, जिवें ही सानू पता लगे तो नाल ही असी आके इन्हों का डॉक्टर साहब नूं नाल लैके इलाज शुरू करवा दिता अज, तो गुरु साहब कृपा करन जल्द इस बजुर्ग नूं ये कोढ़ वर्गी बीमारी है जी तो छुटकारा दवा, तो जदों तक ये ठीक नहीं हो जाता यदा हुण इलाज कराउंदे रहांगे, महाराज कृपा करन, तो यदा कोई रहण दा भी कोई चंगी व्यवस्था करांगे, पिंड दे कुछ मोहदवार व्यक्तियां नाल वीरां भरावां नाल गलबात करके जां तां इत्थे बिजली दा प्रबंध करके इत्थे इहदा रहण दा वधिया प्रबंध करांगे, जे नहीं तां असीं किसी बिरध आश्रम विच जां किसी गुरु घर विच इसदा ठीक होण तक है ना भी कोई रहन का चंगा प्रबंध करांगे। सो वीरो इंसानियत को मुख रखते हुए बिना कोई जात पात बिना कोई धर्म देखे जरूर मदद लई अगे आया करो, क्योंकि जिवें कहिंदे आ वी परमेश्वर की मार है किसी ते भी पै सकदी है, सो जरूर मदद लई अगे आया करो सारे वीर।